नमस्कार फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, शब्दों की काफी अहम भूमिका होती है। जितना ज्यादा स्टॉक बड़ा होगा शब्दों का, उतना ही ज्यादा आपके पास कॉन्फिडेंस होगा और उन शब्दों के आधार पे आप अपनी भाषा में लो चला सकते हैं, आप अपनी भाषा में फ्लेक्सिबिलिटी ला सकते हैं। इस कारण से शब्दों को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाइए। किंतु हमेशा एक बात को याद रखिए कि एक शब्द जो है वह दूसरे शब्द से कंप्लीटली मेल नहीं खा सकते हैं। हम लोग तो पढ़ते हैं कि एक वर्ड के कई सारे सिनोनिम्स, लेकिन सारे के सारे सिनोनिम्स एक दूसरे से मैच कर ही नहीं सकते हैं। कुछ ना कुछ डिफरेंस लिए हुए रहते हैं। आप कुछ एक शब्द को लेकर के चलते हैं जिसका मतलब होता है त्यागना, छोड़ देना। त्यागना या छोड़ देने के लिए हम लोग कई सारे सिनोनिम्स करते हैं। जैसे एक लीव को ले लें, लीव मतलब छोड़ना होता है। लीव के लिए हम लोग जो सिनोनिम लेते हैं या पर्यायवाची शब्द लेते हैं वे है गिव अप हो गया, अबैंडन हो गया, एब्डिकेट हो गया, फॉरसेक हो गया, एसक्यू हो गया, एब्डिकेट हो गया, इत्यादि इत्यादि। यहाँ पर हम लोग छोड़ना के लिए हम लोग दो शब्द को लेकर के चलेंगे, एक एब्डिकेट को लेंगे और एक अबैंडन को लेंगे। ठीक है, एब्डिकेट का जो छोड़ने के सेंस में प्रयुक्त तो होता है तो वहाँ स्पेशली और स्पेशली रैंक या कोई भी पोस्ट के छोड़ने के लिए वह प्रयुक्त तो होता है। जैसे उसने अपने पोस्ट को त्याग दिया है, ही हैज एब्डिकेटेड हिज पोस्ट। ठीक है, वहाँ एब्डिकेट का प्रयोग करेंगे, वहाँ पर हम लोग अबैंडन का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। अबैंडन का प्रयोग हम लोग किसी भी चीज को त्याग देने, किसी भी व्यक्ति को त्याग देने के सेंस में प्रयोग करते हैं। जैसे कि उसने अपने क्षेत्र को त्याग दिया है, तब उसमें हम लोग कहेंगे कि he has abandoned his place। है? Well, हम लोग अब इस वीडियो लेक्चर में ऐसे दो फ्रेजेस को लेकर के चलेंगे जो हो सकता है आपको काफी कंफ्यूज करे। ये जो दो फ्रेजेस है वे है टू कपफुल्स ऑफ और टू कप्स फुल ऑफ। यहाँ पर टू के बदले में आप थ्री का प्रयोग कर सकते हैं, फोर का प्रयोग कर सकते हैं, फाइव का प्रयोग कर सकते हैं, या जो भी आप प्रयोग कर सकते हैं, या आपकी मर्जी है। किंतु हमने टू इसलिए लगाया क्योंकि हम कप फुल्स में एस लगा रहे हैं और कप में वहां पर कप्स लगा रहे हैं। इस कारण से हमें एक से ज्यादा का प्रयोग करना है। इस कारण से अब हम लोग जानते हैं कि टू का फुल्स और टू कप्स फुल ऑफ में क्या डिफरेंस है। कप फुल्स क्वांटिटी को शो करता है और उसका मतलब हम लोग समझेंगे प्याला भर, वो क्वांटिटी है, उसमें प्याला का कहीं सेंस नहीं है। जैसे कि चाय बनाते वक्त आप क्या करें कि दो कप भर पहले पानी मिलाएं, तो यहां भर लगाने के लिए हम लोग टू कप फुल्स को लगाएंगे, ना कि टू कप्स फुल ऑफ लगाएंगे। लेकिन अब चलते हैं दूसरा में, देखते हैं कि जहां पर हम लोग टू कप्स फुल ऑफ का प्रयोग करेंगे। तो जैसा कि हम लोग अभी तुरंत सीखे हैं कि टू कप्स फुल ऑफ में आप पाएंगे कि कप्स को वहां पर गिना जा रहा है और दोनों अलग अलग शब्द है। कौन कौन? कप्स और फुल, दोनों अलग अलग शब्द है। वहां पर प्याला का शो होगा, वहां पर जो सेंस देगा वो इस तरह से सेंस देगा, दो कप्स भर के। ये हुआ डिफरेंस। प्लीज, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, आप बार बार वीडियो को पॉज करते हुए मेरे इस लेक्चर को ध्यान से सुनेंगे तो आपको दोनों में एग्जैक्ट डिफरेंस पता चल जाएगा। मिलते हैं हम लोग अगले किसी अन्य इंफॉर्मेटिव वीडियो लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।